दोस्तों, किसी भी खाने की चीज़ को अगर चूहे छू ले तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि उसको खाने से बीमार होने की संभावना रहती है। लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहाँ चूहों का जूठा किया गया प्रसाद मिलता है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। तो है गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करनी माता के मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं, जिन्हें माता की संतान माना जाता है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को कावा कहा जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर में आप पैर को उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि आपको पैर घसीटकर चलना होता है। वो इसलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई कावा पैर के नीचे ना आए, इसे अशुभ माना जाता है। माँ करनी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जन्म 1387 में एक चरण परिवार में हुआ था और बचपन का नाम रिघुबाई था। इसका विवाह साटिका गांव के किपोची चरण में हुई थी, लेकिन सांसारिक जीवन मन उभरने के बाद उन्होंने किपोजी चरण की शादी अपनी छोटी बेटी गुलाब से करवाकर खुद माता के भक्त और लोगों की सेवा में लील हो गई। लोगों की मदद और चमत्कारी शक्तियों के कारण अस्थायी लोग उन्हें करनी माता के नाम से उसका पूजन करने लगी। अभी जहां मंदिर है वहां एक गुफा में करनी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा करती थी। कहते हैं कि माता 151 वर्ष तक जीवित रही। उसके ज्योतिर्लिंग होने के बाद भक्तों ने वहां पर उसकी मूर्ति की स्थापना की और इस मंदिर के अंदर में काले चूहे के साथ साथ सफ़ेद चूहे भी है, जिन्हें ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एक बार करनी माता की संतान उसके पति और उसकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया। जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु से देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की काफ़ी प्रार्थना की, जिसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। वैसे बीकानेर के लोकगीत में इन चूहों को एक अलग कहानी बताती है। उसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिक की एक टुकड़ी देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया। इस चूहों की एक विशेषता और भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय चूहे अपने बिल से बाहर आ जाते थे। दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझा सके। हालांकि लोग अपने अपने राय जरूर देती है, तो आपका क्या राय है इस मंदिर के प्रति, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।